हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एक लेनोवो का लैपटॉप आया हुआ है जिसका मॉडल हम आपको फिर बताते हैं कि हम मॉडल कहां से देखते हैं। इसमें भी बॉटम पे मॉडल होता है पीछे की तरफ। ये इसका मॉडल है लेनोवो V15IIL। ये इसका मॉडल है, आप देखोगे तो बैक इसका पीछे की तरफ मॉडल लिखा रहता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है इस लैपटॉप में, इस लैपटॉप को जब हम ऑन करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये हमारा स्क्रीन ब्रेक हो रखा है, ये स्क्रीन ब्रेक हो रखा है। आप देखोगे ये यहाँ पे कुछ प्रेशर पड़ा है तो ये हमारी स्क्रीन खराब हो गई है। तो हम यदि इसको बंद करके देखें तो हमें महसूस नहीं होता है कि भाई ये हमारा यहाँ से कुछ टूटा हुआ है या नहीं है। जब हम ऑन करते हैं तभी होता है, ये ना लिक्विड डैमेज होता है, इसमें अंदर लिक्विड होता है स्क्रीन में जो प्रेशर के साथ फैल जाता है। हमें बाहर से नहीं पता लगेगा कि हमारी लैपटॉप कुछ डैमेज हो गया या कुछ फिजिकल हो गया है, ये ऑन करने के बाद ही पता लगता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है ये भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पे बंदे ने कुछ रखा इस पे और उसको बंद कर दिया, बंद करके उसको उन्होंने बैग में रख लिया। बैग में रखते ही यहाँ पे प्रेशर पड़ा स्क्रीन पे और वहां से ही हमारी ये लिक्विड डैमेज हो गया है। तो इस चीज से बचने के लिए हम आपको फिर वही समझाएंगे कि आप इन चीजों को केयर से यूज करें। लैपटॉप बहुत केयर से यूज करने की चीज होती है, ये इतनी जल्दी खराब नहीं होते हैं। और स्क्रीन भी हमारी इतनी जल्दी खराब नहीं होती है, ये फिजिकली खराब होती है जब कोई प्रेशर वगैरह पड़ जाता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।